बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने बात की थी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के जो पार्ट वन का हमारा प्रैक्टिकल था न्यू कोर्स का, उसके बारे में बात की थी पेपर का। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कभी वो कहता है तीन आप मार्क कर लें, कभी दो कहता है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, मार्क एटलीस्ट टू एक्सपेरिमेंट। आपने दो कम अज़ कम इसमें से मार्क करने हैं और वो आपको जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपको एक करने को कहेगा, परफॉर्म करने को कहेगा। और परफॉर्म कैसे करना है, आपने बेसिकली वहाँ पे जो है वो पहले उसका लिखना है जो रिक्वायर्ड चीज़ें लिखनी है, उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना है, उसके बाद जो है वो अपनी टेबल यानी कि कैलकुलेशंस ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपने रीडिंग्स लेनी होती हैं, रीडिंग्स कैसे लेनी हैं और वहाँ पर जो है वो कैसे उसका टेबल बनाना है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने जो है वो कौन कौन सा आया हुआ है प्रैक्टिकल, कैलकुलेट द सोडियम लाइट विद द हेल्प ऑफ फ्रेसनल बाइपिज्म, ये प्रैक्टिकल ये पेपर के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है। डिटरमिनेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी निकालना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी निकालना है। डिटरमिन ई बाई एम रेशो चार्ज टू मैस रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है कि ये मिलिकन ऑलड्रॉप मेथड वाला जो क्वेश्चन है ना, मिलिकन ने जो रेशो निकाली थी चार्ज टू मैस रेशो ऑलड्रॉप मेथड से, तो ये है वो प्रैक्टिकल आया हुआ है। इवेल्यूएट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बाय कैलेंडर एंड बारनेस अपरेटस, ये आपने करना है। पाँचवा है स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, ये जो स्टूडेंट्स पीएन जंक्शन वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। आप पिछले कोई पांच प्रैक्टिकल्स निकाल के देख लें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो चुका है, इसको आपने ध्यान से करना। स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन डायोड एंड कंपेयर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड, जर्मेनियम और सिलिकॉन को आप इसमें पूछ सकता है, वो इसके बारे में पूछ सकता है, वो पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड क्या होता है, इसके क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है जी। इसमें जो क्या नाम है पीएनपी जो होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एनएनपी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पीएनपी जंक्शन क्या होता है, एनपीएन जंक्शन क्या होता है, जंक्शन डायोड क्या होता है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ सकता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ सकता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ सकता है, इसके अलावा और यानी कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के बारे में भी पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में लैब जर्नल और वाइवा वॉइस, ये आपको कॉपी है, कॉपी और वाइवा मिलकर चार नंबर बनाते हैं और टोटल आपके क्वेश्चन के नंबर 16 होते हैं, तो मिलकर कितने बन जाते हैं 20 नंबर का ये आपको पेपर आता है। तो अगेन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉपी आपने किसी भी कंपनी की ले लेनी है और कम अज़ कम 5 से 6 से 7 जो है वो वहाँ पर प्रैक्टिकल्स आपने लिखने हैं, लिख के लेके जाने हैं, बनी बनाई कॉपी नहीं लेनी है आपने, और आपने खूब इसकी तैयारी करके जाना है। ये आपने वाइवा कैसे तैयार करना है, क्योंकि नंबर देगा वो वाइवा के और कैलकुलेशंस ऑब्जर्वेशंस के टेबल बनाएंगे और बस इन्हीं चीज़ों के नंबर होते हैं आपकी कॉपी के, आप कॉपी के तो आपको मिल जाएंगे, कॉपी तो आप बना के लेके जाएंगे, लेकिन जो नंबर होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस के होते हैं और आपके वाइवा के होते हैं, वाइवा से आपको जानेगा कि आपको कितना प्रैक्टिकल आता है। तो वाइवा तैयार करने के लिए देखें स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल आपको आपके सिलेबस में शामिल हैं उनमें जो बेसिक चीज़ें आती हैं उनकी डेफिनेशंस, उनके जो बारे में जो है वो आप स्टडी करके जाएं, उनके बारे में आप पढ़ के जाएं, ताकि आपको वाइवा में जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको ना आए। देखिए यहाँ पर भी आपको बताया पीएन जंक्शन वाला है, तो उसमें आपको पता पीएन जंक्शन क्या है, डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको उनके जो है फंक्शन पता होने चाहिए कि कब जो है वो फॉरवर्ड होगा, कब रिवर्स बायस होगा, ये चीज़ें। और ये डिटरमिन चार्ज टू मैच रेशो है, ये ऑयल ड्रॉप मेथड से किया था उसने जो है वो मिलिकन ने, तो किस तरह से किया था, उसमें कितनी वैल्यू निकाली थी, किस तरह से निकाली थी, सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद डिटरमिन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल मरकरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सोडियम लाइट है, सोडियम लाइट हेल्प ऑफ फ्रेसनल बाइप्रिज्म क्या होता है, बाइप्रिज्म किसे बोलते हैं या प्रिज्म किसे बोलते हैं, तो ये सारी के सारी चीज़ें आपको वाइवा में पूछ सकता है वो सब जो भी आपको प्रैक्टिकल करने को कहेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो है वो आपको हेल्प मिली होगी किस तरह से हम जो है प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करें। तो आई होप कि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें जो आपके सिलेबस में शामिल हैं प्रैक्टिकल उसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स भी आपसे शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।